अच्छा, कोई बोलता है अंदर कुछ है, खजाना है। अच्छा, सब ऐसा बोलते हैं गांव वाले। अच्छा, गांव वाले बोलते हैं। पहले कोई अंदर गया था लेकिन अभी कोई बाहर नहीं आया। पहले बहुत पुरानी बात है ये। कोई अंदर उतरा था लेकिन बाहर नहीं आया अभी तक। अंदर सोना है, कोई बोलता है सोने की प्लेट है, कुछ भी अंदर है। हाँ। लेकिन किसी को राजा के सिवा किसी को कुछ इतना मालूम नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग गए थे अंदर तो वो वापस। हाँ, यो गांव की परंपरा है। गांव लोग के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर सात रबरंग गई थी दूध भरने के लिए, बाद में तो वापस आई नहीं है। अच्छा, वापस नहीं है। जो स्पायरल सीढ़ी बनाई गई तो वहाँ से अंदर गई थी लेकिन वापस आई नहीं। सो हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ और मैं आपको आज लेकर जाने वाला हूँ अहमदाबाद से अडालज। अडालज में मैं आपको बता दूं तो एक बहुत ही पुरानी जो बावड़ी बोलते हैं अपने राजस्थान में, बावड़ी बोलते हैं वो, और बहुत ही शानदार बावड़ी है। तो आज मैं उसकी सैर करवाने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में और बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते, हर हर महादेव। तो फाइनली हमने टिकट ले लिया है यहाँ टिकट काउंटर से और ये टिकट ले चुके हैं हम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और एक टिकट लगभग 25 रुपए का है, ज़्यादा का भी नहीं है। और ये पीछे है अडालज पावड़ी और यहाँ से हम देखते हैं। वैसे यार मैं सही बता दूँ आपको कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस पावड़ी के बारे में, तो सोचता हूँ कि यहाँ के कोई बंदा मिल जाए मेरे को जो इस पावड़ी के बारे में मुझे पूरी डिटेल दे सके। तो ढूंढते हैं, यहाँ पर बंदे हैं वैसे। और यहाँ पर पूरी हरियाली नज़र आ रही है, यहाँ पर बंदा मिला है, मिल रहे हैं देखें। तो भाई आप यहीं क्यों हो गया? हाँ, यहीं के। यहीं क्यों? यहीं के, यहीं के। तो मेरे को आप बता सकते हो कि ये मतलब प्रॉपर यहीं के हो आप? हाँ, प्रॉपर यहीं के। प्रॉपर ना, तो ये बावड़ी के बारे में अगर आप जानते हो? हाँ, थोड़ा वगैरह जानते हो? थोड़ा बहुत जानते हो? तो मेरे को बता सकते हो इसके बारे में? बता सकता हूँ। बता सकते हो? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। वाव है ना, 1595 बनी थी। 1595 यानी कि 500 साल हो चुके उसको। 500 साल हो चुके। अच्छा, इसका राजा था वीर सिंह वाघेला। वीर सिंह वाघेला। वीर सिंह वाघेला। हाँ। अच्छा, उनकी बीवी थी वो रानी बोलते हैं ना। हाँ। रूड़ा भाई थी, यानी कि उनको पहले कुछ युद्ध हुआ था यहाँ पे। हाँ? तो मोहम्मद बेगड़ा बोलते हैं ना, मोहम्मद यहाँ पे अटक, मोहम्मद बेगड़ा, बेगड़ा उसने यहाँ पे अटक किया था। वो बोल रहा था कि मुझे रानी से कुछ। मोहम्मद गौरी, गौरी होगा वो, मोहम्मद गौरी होगा। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद बेगड़ा, बेगड़ा है, मोहम्मद बेगड़ा है। हाँ। उसको कुछ रानी के साथ कुछ ऐसा लगा कि मुझे रानी बहुत पसंद है, रानी के साथ मुझे मैरिज करना है, लेकिन राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं लगी राजा को। हाँ। तो राजा ने बोला ये अच्छा नहीं है। फिर दोनों का युद्ध हो गया। फिर राजा कहीं पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गई, वो मालूम नहीं इतना। फिर रानी ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, सुसाइड। रानी के याद में किसी ने वाव बनाई, यहाँ पे कब्र भी लगी है। हाँ। वो जो आर्की, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने जो वाव बनाई। हाँ। उनको पे यहाँ कब्र है उनकी। अच्छा, कब्र। हाँ, दूसरी जगह पे कि वाव बना ना सके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो शायद किसी महारानी के याद के अंदर बनाई गई है। ताजमहल की तरह ही है इसकी। अच्छा, ताजमहल की तरह ही है ना, इसकी तरह ही है। अच्छा, और आपको उससे भी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आगे भी उसका एक वॉल लगा हुआ है, आपको वहाँ बता माहिती मिल जाएगी ज्यादा वहाँ पे। अच्छा, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कबर भी है जो। हाँ। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने। हाँ। साइन किया था जो वाव का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। उनको राजा ने उसको मार दिया था, राजा यानी कि उनके कोई संबंधी थे, उन्होंने। हाँ। याद में बनाई थी उन सबकी याद में। हाँ। उनको सबको मार दिया कि कहीं जगह पर दूसरी बना ना सके। अच्छा, दूसरी कोई बना ना सके। सही है। तो देखते हैं यार, वैसे मैं अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ और देखते हैं उसके अंदर और क्या जानने को मिलता है, क्योंकि मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है तो पूछ के हम अंदर आना पड़ेगा। हाँ, चल सकते हो तो चलो, चल सकते हो। चलो चलो, ठीक है, तो चलते हैं। अपना काम महादेव जी कृपा से हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, बात करते हैं। और यहाँ पीछे देख रहे होंगे ये गार्डन है यहाँ पर पूरा। ये गांव है।
हाँ, और यहाँ ये मतलब एक छोटा गांव है, गांव के अडलज गांव है। और ऐसे ही आपको कॉपी वाव देखनी हो तो अंबापुरी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हाँ, खुली ही फरी वीरान आई है। अच्छा वीरान है, कोई किसी की कवर जो नहीं। हाँ हाँ, कवर देख लो ना वो। हाँ, तो अब जिनकी याद में बनाया गया था उनकी महारानी की जो कब्र है शायद, उनके जो आर्किटेक्ट थे वो सब थे ना वो। हाँ हाँ, अच्छा बनाने वाले। हाँ, बनाने वाले थे ना। ओ, तो जैसे ये क्या ताजमहल की तरह, ताजमहल की तरह। हाँ, ओहो, तो अब मैं आपको कब्र दिखाने वाला हूँ कि जिन्होंने ये बावड़ी बनाई थी उनको शायद फिनिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे कब्र बना दी थी ताकि ऐसी बावड़ी और नहीं बन सके। तो और आपको इस बावड़ी के बारे में, मतलब वाव के बारे में और कुछ जानकारी है तो मुझे बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं भूल भुलाई। ये देखिए, हम भूल भुलाई, इसको बोलते हैं भूल भुलाई। ये यानी कि राजा कोई मालूम होता है, उनको सैनिक कोई मालूम होता है, दूसरे किसी को मालूम। अच्छा, ये खुफिया रास्ता जो बोलते, जो पहले के जमाने में सब यहाँ पे पानी बन जाते थे। ये गाँव का कुआ है, यहाँ से सब गाँव के औरतें सब लड़कियाँ सब यहाँ से पानी निकालते थे। और ये हमें एक और जानकारी मिली है कि ये जो इनकी कुल देवी थी उनका मंदिर ये पीछे आप देख रहे नीचे था। ये पीछे तो पहले नीचे था मंदिर उनका। हाँ, लेकिन अब ऊपर ले गए, वहाँ पे ऊपर ले गए उनकी कुलदेवी का मंदिर अम्बे माँ। अच्छा, अम्बे माँ उनकी कुलदेवी है। और ये है मेन कुआ, ये देखिए यहाँ से पता नहीं कहाँ निकलते, लेकिन कोई बोलते हैं यहाँ से पाटन निकलता है, यानी कोई दिल्ली निकलता है यहाँ से अंदर घुसोगे तो, ऐसा सब बोलते हैं। अच्छा, कोई अच्छा? बोलता है अंदर कुछ है, खजाना है। अच्छा, सब ऐसा बोलते हैं गांव वाले। अच्छा, गांव वाले बोलते हैं। पहले कोई अंदर गया था लेकिन अभी कोई बाहर नहीं आया, पहले बहुत पुरानी बात है ये। हाँ, कोई अंदर उतरा था लेकिन बाहर नहीं आया अभी तक। अच्छा, मतलब कोई उतरा था, कोई बोलता है पाटन निकलता है, कोई बोलता है दिल्ली निकलता है, ऐसा है। अच्छा, लेकिन क्या राज है वो पक्का मालूम नहीं है हमको। अच्छा, वो पहले के इंसानों को पता होगा, हमको इतना सब मालूम नहीं है। ये अंदर सोना है, कोई बोलता है सोने की प्लेट है, कुछ भी अंदर है। हाँ, लेकिन किसी को राजा के सिवा किसी को कुछ इतना मालूम नहीं है। तो मैं इस कुएं के कुछ दृश्य हैं वो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको लेकर चलूंगा इसके अंदर, जो मेन जो रास्ता है ना वहाँ से लेकर चलूंगा। पहले मैंने सोचा कि ऊपर से आपको दिखा देता हूँ ये ऊपर ऊपर का व्यू, इसके अंदर जो है बहुत ही शानदार कलाकृतियाँ हो रखी है, आप देखोगे तब मालूम। और आपके इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी हो तो, जब ये पहले वाव बन रहे थे ना 500 साल पहले, तो यहाँ के पत्थर है ना सब राजस्थान से लाते थे। तो बीच में कोई राक्षस था ऐसा, वो बाबर करके वो बीच में से सबको लूट लेता था, पत्थर लेके उसने वाव बनाई अंबापुर में। अंबापुर उसकी खुद की वाव बनाई है। अच्छा, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है अभी, पहले ऐसा था, उसका त्रास बहुत था। अच्छा, तो जब पत्थर आ रहे थे तो बीच में से उठा के लेके जाता था, और उसकी खुद की वाव बनाई अंबापुर गाँव में, ये बगल में ही है उसका गाँव बगल में। तो अब मैं आपको बता दूं, किलोमीटर दूर है। इसमें जो पत्थर यूज़ किया गया ना, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें जो पत्थर यूज़ किया गया है तो ये राजस्थान से, बोल रहे कि राजस्थान से मंगवाया गया था, ये हाथ से बनी हुई पूरी। अरे ना, जब वाव बना रहे थे ना तो एक पत्थर, एक सैंपल उसका बच गया है, तो उसके साइड में रखा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है कि उसको आप मापोगे ना तो ठीक तरह से उसका माप नहीं आएगा, एक तरफ से अलग आएगा, एक तरफ से और अलग आएगा, परफेक्ट माप नहीं आएगा उसका। क्या पता उसमें कुछ है ऐसा अजीब। अच्छा, चमत्कारी चमत्कारी कुछ है इसमें। अच्छा, उसका माप अच्छी तरह से नहीं निकलता। अच्छा, तुम किसी भी तरह से मापोगे। एक सैंपल है वो बच गया था काम करते वक्त, तो एक सैंपल उसका बच गया था, उसको साइड में रखा है, लेकिन पत्थर में कुछ है यानी। अच्छा, ऐसे पूरा नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे जाओगे तो भी अलग आएगा, रिटर्न आओगे तो भी अलग आएगा। अच्छा, ये हाथ से अगर माप लेंगे तो जाते वक्त अलग माप आएगा और वापस इधर से। ओके, तो ये कुछ नई जानकारी मिली है। वैसे अब और अंदर आपको जाके दिखाता हूँ और मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको, तो बने रहिए। तो यानी ओनली फॉर दिमाग से उसका माप लिया, स्टेप बाय स्टेप ही दिख रहा है, कोई आला तेरा नहीं दिख रहा, देख लो आप। हाँ, एकदम एक्यूरेट है, स्टेप ही बाय स्टेप ही है, कुछ ऐसे के तैसे नहीं है।
एक ही लाइन में, पहले कुछ माजर टेप नहीं था, ऐसे बनाए अपने आप से बनाए, कोई माप पट्टी या मेजर टेप ऐसा कुछ नहीं था, दिमाग से ही बनाया। ये बता रहे हैं कि ये जो पूरी बावड़ी बनी है ना, तो बिना माप के बनी है। अब यार बिना माप के तो कैसे बनती है, लेकिन उस समय तो कोई मेजरमेंट वगैरह ऐसा होता नहीं था, लेकिन एक्यूरेसी जो थी पहले वो कितनी होती थी? सात कड़े मिल जाएंगे तो कुछ चमत्कार होगा, कुछ खजाना मिलेगा, लेकिन वो मिलता ही नहीं किसी को। अच्छा ऐसा है? हाँ, तो कड़े है, कड़े है, लेकिन उसको खोदने पड़ेगा अभी, तो छह कड़े है, वो ढूंढना पड़ेगा उसको, और पहले ढूंढा था, अभी तो कोई ढूंढता नहीं, इतना बड़ा ध्यान देता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर वो सातवां कड़ा मिलता है तो शायद चमत्कार हो सकता है, ऐसा इनका खजाना वजाना मिल सकता है, वो इनका बताना है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, ऐसी, लेकिन अभी किसी को मिला नहीं है। अच्छा, खोज में ही है लेकिन किसी को मिला नहीं है, और मुझे तो लगता है कि नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? हाँ, वो तो पॉसिबल होता तो कभी मिल जाता, पासवर्ड होता है नहीं है, पासवर्ड, वो भी उनके भी पासवर्ड होते थे, उनको ही मालूम होगा। सही है। ये जो है मेन कुआ है, हाँ, ये 7 मंजिल का काम था, लेकिन काम अधूरा है, पुराने किया, इसीलिए 5 ही मंजिल है ऊपर, हाँ, तक 5 मंजिल है, आप, हाँ, देख सकते हो, हाँ, 5 मंजिल। ये जो बता रहे हैं कि 7 मंजिल बनाने का था ये कुआ, लेकिन उसके बीच में ये काम रोकना पड़ा और उसके बाद में ये 5 मंजिल का ही बना है। और ये जो कुआ आपको ये दिख रहा है, तो इसके अंदर बताते हैं कि कोई खजाना ढूंढने के लिए, पहले बताते थे कि खजाना इसमें है, पानी पवित्र है, कोई विधि यानी कोई काम करना हो, अच्छा काम की लिए पानी लेते हैं। अच्छा, और ये शुद्ध, हाँ, ये शुद्ध पानी है इसके अंदर, इस कुएं के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। और ये बता रहे हैं कि इसमें जो कोई जो भी उतरे थे खजाने ढूंढने के लिए वो वापस कभी लौटे नहीं। ये जो आप पीछे कड़ा देख रहे हैं, ऐसे कड़े 7 हैं, लेकिन आज तक 6 ही कड़े मिले हैं, और बोलते हैं कि 7वां कड़ा जब मिलेगा उस समय चमत्कार होगा शायद। कुछ या मशीन कुछ नहीं था, हाथ से ही बनाई है। अच्छा, आज के जमाने में ऐसी डिजाइन नहीं आएगी, हाँ, तुम कितना भी काम करो ऐसी डिजाइन नहीं मिलेगी। सही है। और मिलेगी तो भी मशीन से मिलेगी, हाथ से कोई नहीं बना सकेगा ऐसी डिजाइन, ये पहले का है। तो फाइनली हम अडलज वाव के अंदर हैं, और उसके बारे में पूरी जानकारी इन भाई साहब को है,
और हमारे एक और भाई साहब जो साथ में थे उन्होंने भी कुछ जानकारियाँ दी हमें, वो भी महत्वपूर्ण थी और इनकी भी जानकारी हम ले ही लेते हैं। बताइए कि ये कब बनी थी? सर ये संबंत 1555 में 1555 में राजा वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी रूड़ाबाई ने बनवाया था। अच्छा। कि क्या है कि जब दुष्काल पड़ते हैं ड्रिंकिंग वाटर उन्होंने पानी पीने के लिए स्टेपल बनाया गया था। अच्छा। तो ऊपर से तीन एंट्री है तो तीन एंट्री से लोग आते जाते रहते हैं। जो पूरी बिल्डिंग से इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कार्बिन अंदर मिक्स है। अच्छा। तो इसमें हिंदू के कार्बिन आप देख सकते हैं, मुसलमान के भी। अच्छा। तो यहाँ से देखें तो पूरे मुसलमान के मीनार से, उसके नीचे देखेंगे तो आप अशोक को जो पेड़ के पत्ते थे हिंदू धर्म के, फिर मुसलमान पर हाथी घोड़े है। तो ऐसे हिंदू और मुस्लिम दोनों कार्बिन अंदर मिक्स है। ओके। जो पूरी बिल्डिंग से इसमें इंटरलॉक से बनाया गया, इसमें नो सीमेंट है, इंटरलॉकिंग। अच्छा, इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्योंकि पहले जमाने के अंदर सीमेंट था नहीं, तो इंटरलॉक से बनाया गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सभी इंटरलॉक से बनाया गया, सभी टुकड़े टुकड़े पत्थर है, सभी इंटरलॉक से बनाया गया। तो ये पूरी सर 5 मंजिल की बावड़ी है, 5 फ्लोर्स है। तो उसमें 2 कुआं बनाया गया था, एक कुआं खेती की सिंचाई के लिए, पशु पक्षी के लिए और मनुष्य के लिए, ऐसे रजन ट्यूबवेल बनाया गया है। तो ये पूरी 5 मंजिल की बावड़ी है, तो इसमें हिंदू धर्म के 5 अलग अलग कल्चर्स बनाया गया है। तो पहली मंजिल पर राजा ने गणेश जी की स्थापना की रिद्धि सिद्धि के साथ, जो हिंदू धर्म का पहला कल्चर है। सेकंड पर राजा के कुलदेव है वागेश्वरी अम्बाजी, तो यहाँ गाँव के लोग सुबह में दर्शन के लिए आते हैं। दूसरी पर जाने के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि लोग गिर जाते हैं, इसलिए सरकार को अलाउड नहीं किया, ऐसे गाँव के लोग को लेकर खुला कर। जो मंदिर है उसके बाजू में सेकंड जरूखा है, तो उसमें लेख लिखा गया है। अच्छा, जो ब्राह्मण लिपि में है कि भाव कब बनी थी, पत्थर कहाँ से आया था, राजा ने कितना काम किया था, उसमें पूरा हिस्ट्री लिखा गया है। अब तीसरे स्टेप पे जाएंगे तो ऐसे सामने जरूखा है, तो उसमें 9 कलश है, 9 कलश जो नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। और चौथे पे जाएंगे तो वहाँ समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन। हाँ, और 5वीं मंजिल पर राजा ने नवग्रह का निर्माण किया गया है, नवग्रह का निर्माण। हाँ, तो ऐसे हिंदू धर्म के 5 अलग अलग कल्चर्स बताए गए हैं। आप नीचे गए तो नीचे देखना कुएं के ऊपर जाली लगाई गई है, तो जाली के नीचे 30 फीट गहरा कुआ है, 30 फीट 30 फीट गहरा कुआ है। उसके पीछे सेकंड कुआ जो एरिगेशन एनिमल के लिए, जो आपको ऊपर से देखना है, जो 51 फीट गहरा कुआ है। अच्छा। तो अभी क्या है, अभी ये पानी का कोई यूज़ नहीं है। 40-50 साल पहले गाकुड़ गैस से पानी का यूज़ करते थे, लेकिन अभी क्या कहा, सब ट्यूबवेल सब सुविधा घर पे हो गई, उसे का कोई यूज़ नहीं है। अभी सिर्फ पवित्र मान के पूजा के लिए पानी का यूज़ करते हैं। अच्छा। बाकी दूसरे जो अभी नहीं है। मैंने सुना था कि इधर खजाना वजाना ये सब नहीं। सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आज से मैं 7 साल से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सर मैंने इतना कुछ दिखा नहीं है। अच्छा, नहीं देखा। कैसा भूत प्रेत कुछ भी हो तो मैंने नहीं सोना बोना कुछ भी नहीं है, अब तक मैंने कुछ दिखा नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं देखा। 7 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन दिखा नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग गए थे अंदर तो वो वापस। हाँ, यो गांव की परंपरा है, गांव लोग के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर 7 रबारंग गई थी दूध भरने के लिए, बाद में तो वापस आई नहीं है। अच्छा, वापस नहीं है। जो स्पायरल सीढ़ी बनाई गई तो वहाँ से अंदर गई थी, लेकिन वापस आई नहीं। गांव के लोग बताते हैं हमको पता नहीं है। ठीक है। 200 साल पहले। तो वैसे मोस्टली हमें पूरी जानकारी मिल गई है। और वैसे अगर आपको कभी फ्यूचर में आने का हो तो आपको अहमदाबाद से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। नहीं सर, 55 लगभग 25 किलोमीटर। हाँ, तो 25 अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर है अडालज। अडालज से अडालज वाओ, आप किसी को भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। और कभी घूमने का हो तो ज़रूर बता दिए। और ये यहाँ के गाइड हैं तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे 7 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। वैसे हमने पूरी जानकारी ले ली है। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हर हर महादेव।